मुनव्वर फारूकी को है यूके रैडर पे डाउट कि यूके मुनव्वर के खिलाफ गेम प्लान बना के आए हैं बाहर से ही। क्या है पूरी डिटेल, आखिर मुनव्वर को ऐसा क्यों लग रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 17 बस शुरू ही हुए थे कि शुरू होते ही मुनव्वर फारूकी ने सबसे पहले तो टारगेट किया मनारा चोपड़ा को, उसके बाद उन्होंने नील भट्ट को भी लेजी बुलाया। तो आपको बता दें कि आज सुबह मुनव्वर फारूकी गार्डन एरिया में बैठे कैमरा से बातें कर रहे थे, तभी बीच में वो अंकिता लोखंडे भी आ जाती है। तो आपको बता दें कि मुनव्वर जो है कैमरा से बात करते हुए ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि यूके राइडर जो है उनके खिलाफ जो है वो बाहर से गेम प्लान करके आए हैं, इसलिए यूके जो है उनके सामने अच्छी तरह से खुल नहीं रहे हैं। मुनव्वर कहते हैं कि यूके सबके साथ जैसे रह रहा है उनके साथ वैसा नहीं रह रहा है। मुनव्वर कहते हैं वो सबके साथ बहुत ही घुल मिल कर बात कर रहे हैं, लेकिन मुनव्वर के साथ बस हाय हेलो प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनली तरीके से रह रहा है, वो ज़्यादा खुल नहीं रहा है। तो मुनव्वर के हिसाब से, मुनव्वर का कहना है कि जब यूके राइडर खुलेगा उन्हें अपना राइवलरी मानकर उन्हीं से लड़ाई करेगा, ऐसा मुनव्वर को गट्स फीलिंग आ रही है। जिस पर अंकिता कहती है कि जब तुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से ही ये स्ट्रेटजी बना के आया है कि वो तुझसे ही लड़ेगा, कि मुझे इसी से लड़ना है, इसी से इसी के साथ इसी से लड़ाई करके गेम में आगे बढ़ना है, तो तू भी उस हिसाब से तैयार रहे, तो पहले से प्रिपेयर रहे कि यूके राइडर कभी भी आके तुझसे भिड़ सकता है। तो ऐसा मुनव्वर को लग रहा है। वेल, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, क्या सचमुच यूके राइडर बाहर से ही गेम प्लान बना के आए हैं, कमेंट में हमें बताएं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो